योगी वीरेंद्र योगी का सत्यवान आपका अभिनंदन हमारे प्यारे देशवासियों। ये मैं आपको विनम्र भावना से प्रार्थना करते हुए अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आपसे दया और करुणा का भीख मांगता हूँ कि आप दयालु हो जाएं। आप हर जीव जंतु पशु पक्षियों से बेहद प्यार करें, क्योंकि जितने भी महान व्यक्ति हुए प्यार की महत्ता को समझा। एक माता पृथ्वी भी हमें प्यार करती है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से हमेशा हमेशा हम सबों को जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य को सीने से लगा के रखती है, तभी भी हमें अंतरिक्ष में उड़ने के लिए नहीं छोड़ देती। ये धरती माता की जय हो, इस भारत माता की जय हो। इसीलिए अपने माताओं से प्यार करो, जिस माता ने जन्म दिया, जिस पृथ्वी माता ने हमें शरण दिया, हवा पानी फल फूल सब्जी सब कुछ दिया, अपने गर्भ में समा के रखा। जितने भी चीज पृथ्वी पर हम बनाते हैं, सबों की उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से होती है, इसे हम खनिज पदार्थ कहते हैं। तो प्यार ही जीवन है मेरे भाई, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ पोथी परिपरी जगमुआ पंडित भयानक हो, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चर्व से एक बंधे जंजीर, योगी वीरेंद्र योगी बॉन्ड जेम्स बॉन्ड अपने को एक बहुत ही वैलियंट हीरो सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड समझता है, क्योंकि मैंने सत्य को समझा है। सत्य है प्यार, सत्य है स्नेह, सत्य है करुणा, सत्य है दया, सत्य है क्षमा, सत्य है दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए मर जाना। खुद गर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल पराए के लिए। इस बात को ध्यान रखिए, प्रेम ही जीवन है। पशु पक्षी जीव जंतु सभी से प्यार करिए, अपने परिवार से प्यार करिए, अपने समाज से प्यार करिए, अपने देश से प्यार करिए। और अगर आप यूनिवर्सल रिलीजन को समझा है, विश्वव्यापी ज्ञान का मूल आधार है वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। जब सारी पृथ्वी आती है तो जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी आते हैं। ज्ञानी व्यक्ति भगवान बुद्ध ने, गौतम सिद्धार्थ ने सबों से प्यार किया, और जब देखा कि यहाँ दुराचारी दुष्ट व्यक्ति हिंसक है, जंगली जीवों की तरह दूसरों की हत्याएं करता है, तो जन्म लेने से ही परहेज कर दिया और मोक्ष को प्राप्त किया। मैं भी दुखी हूँ, इस धरती पर जीने का मन नहीं कर रहा है। चारों तरफ अत्याचार दुराचार हत्याएं झगड़े काही कलवल द्वेष कलह से यह धरती पूर्ण है। जीवों की हत्याएं हो रही है, सबों को मारा जा रहा है, उसकी आजादी छीन ली जा रही है, पशु पक्षी जीव जंतुओं का विनाश हो जा रहा है। और इससे भी अगर मन नहीं भरता तो दुराचारी अभी भी देखो दिल्ली के दंगों में कितने मासूमों की हत्याएं कर दी गई। क्या वो मनुष्य है, क्या वो नर व्याघ्र है, क्या वो पशु है? याद रखना, ज्ञानियों ने यही कहा, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई ना सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, जिया नहीं वही गद्दार, जो मरण तुम्हारे लिए मरने की आदत सीखो। हमारे जवानों से देश की रक्षा के लिए सरहदों पर दिन रात बंदूक ताने अपनी जिंदगी की बाजी लगा के हमारी रक्षा करते हैं, और सरहदों के अंदर देश के विभिन्न राज्यों में ये दुष्ट लोभी लालची, ये हमारे पॉलिटिकल विंग्स जाति के नाम पर धर्म के नाम पर मजहब के नाम पर देश को लूटते हैं। और ये धर्म तो इतना खतरनाक हो गया, एक दूसरे से विरोध कर रहे हैं। अरे धर्म तो वही है, पृथ्वी हमारा परिवार है, सारी आत्माएं हमारी तरह हैं, सबों का कल्याण सर्वे भवतु सुखिनः। सीखो सिखाओ जियो, जीने दो प्यार करो, नफरत
कभी तुम एक सच्चे मनुष्य हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। कुछ ऐसा काम करो कि आने वाली पीढ़ी आप पर गौरवान्वित हो। आपकी सारी शक्ति, सारी दैवी शक्तियां हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस शक्ति की दिशा शांति के पथ पर वोट डालो। सत्य न्याय प्रेम शांति के रास्ते पर चलो। दिमाग में एक ही बात रह सकती है, जिस तरह तलवार में, तलवार एक म्यान में एक ही हो सकता है, तो ये पॉजिटिव मेंटल सुविचार रखो। सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा कुविचार, काम क्रोध मत लो, मोह को दूर कर दो। असदो मां सतगम जाओ, तमसो मां ज्योति गम जाओ, मृत्यु मां मृतम गम जाओ। ओम शांति, ओम शांति। शांति हर धर्मों के लिए, हर प्रजातियों के लिए, हर जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए शांत वातावरण चाहिए। ये धर्म तो भटका रहा है, धर्म तो सीखा ही नहीं लो। तो धर्म को जो विभत्स कर दिया, विकृति डाल दी, पाशविकता का धर्म हो गया। मारो मारो, जला दो, काट दो, दुनिया में हमारा राज हो जाए। अरे ये धर्म नहीं है, दुनिया क्या तुम्हारा, शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा शरीर भी नहीं है, क्या तो दफन हो जाएगा या कफन में पलट के जला दिए जाएंगे।